भाजपा से कांग्रेस में गए दीपक जोशी को भले ही कांग्रेस ने खातेगांव से विधानसभा से टिकट दे दिया हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता उनके विरोध में है। कांग्रेसियों ने उनके गाड़ी के कांच तक फोड़ दिए और उन्हें काले कपड़े दिखाकर विरोध किया। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की मुसीबतें फिलहाल खत्म होते नहीं दिख रही है। खातेगांव में कांग्रेसियों ने जमकर दीपक जोशी का विरोध किया है। देवास की खातेगांव विधानसभा में बीजेपी से आए दीपक जोशी को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता दीपक जोशी वापस जाओ के नारे लगाकर उन्हें काले कपड़े दिखा रहे हैं। कांग्रेसियों ने उनके वाहन को रोककर जमकर नारेबाजी की, उनके गनमैन के साथ भी धक्का मुक्की की और उनकी स्कॉर्पियो वाहन का कांच तक फोड़ दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।